एनसीआर की बारिश ने आज हद कर दी। बारिश इतनी हुई कि इसने 88 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब हाल ही में ये हो गया है कि सड़कों पर पानी भरा है, लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, मोहल्ले और बस्तियां सब डूबी डूबी नजर आ रही हैं। हर जगह जाम जाम त्राही माम वाली स्थिति है। नोएडा में मानसून से बचाव और सड़कों पर जलभराव ना हो, इसके लिए नोएडा प्राधिकरण हर साल करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन उसके बावजूद हर बार बारिश के बाद नोएडा प्राधिकरण के दावों की पोल खुल जाती है। नोएडा में आज यानी 28 जून को हुई बारिश के बाद जगह जगह सड़कों पर जलभराव है। नोएडा सेक्टर 37 यूटर्न के पास पानी भर गया है। इसके साथ ही नोएडा महामाया के नीचे भी जलभराव है। जलभराव के कारण सड़कों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। सबसे ज्यादा जाम कालिंदी कुंज बॉर्डर पर लगा हुआ है। दिल्ली जाने वाला पूरा रास्ता पूरी तरह ब्लॉक है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस जाम खुलवाने में जुटी हुई है। सुबह सुबह बारिश के बाद इस वक्त दिल्ली एनसीआर जाम से जूझ रहा है, लोग पानी में फंसे हुए हैं। हालांकि इन बादलों का लंबा इंतजार भी किया गया, लेकिन जिस तरह भी किया गया बादल बरसे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि बादलों ने तो हद कर दी। आपके सामने दिल्ली में बारिश के बाद बने हालात की तस्वीरें सामने दिखा रहे हैं हम। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बादलों ने दिल्ली में कैसी जबरदस्त एंट्री की है। पिछले 24 घंटे में ही उससे लगभग 3 गुना बारिश होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। सुबह ऑफिस और काम पर जाने वाले को जाम और जलभराव से जूझना पड़ा है। दिल्ली में बारिश ने गर्मी और उमस से राहत तो दी है, लेकिन तेज बारिश की वजह से कई जगह जलभराव जैसे हालात भी हो गए हैं। बारिश का ये मौसम आपको परेशान ना करे, इसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी भी जरूरी हैं। अपने रूट पर जलभराव का पता करें, घर से अतिरिक्त समय लेकर निकलें, ट्रैफिक जाम पर नजर जरूर बनाए रखें, जाम से बचने के लिए अपने रूट को भी डाइवर्ट करें। बेहतर है कि जलभराव में कार लेकर ना जाएं और लंबी यात्रा पर भी ना जाएं। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक लगातार दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना जताई है। जल जमाव से त्राहिमाम कर रही दिल्ली की हवाई अड्डे से टर्मिनल 1 का छज्जा गिर गया। इस हादसे में एक की मौत भी हो गई, 2 लोग जख्मी हैं। वहीं अगर मौसम खराब है और बिजली कड़क रही है तो बेहतर है कि घर में ही रहें। बारिश के दिनों में घर से निकलते वक्त साथ में छाता जरूर रखें। ये सुझाव हम आपको देना चाहते हैं। अपना ध्यान रखें और देखते रहिए हमारे साथ ABP Live।